आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए एक यौगिक जो कि गैसीय यौगिक में कार्बन की प्रतिशत 75% है, ठीक है। यौगिक का अणुभार हमें दिया गया है जो कि है 16, तो इसका हमें अणुसूत्र यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। दोस्तों हमें यौगिक का अणुसूत्र यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर कार्बन जो कि इसका परसेंट कितना दिया गया है दोस्तों, वो है लगभग 75% के पास, ठीक है। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा इसका परसेंट कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो है ये जो यौगिक बना है ये वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन 75% है, तो हमारा हाइड्रोजन कितना परसेंट हो गया, 25%, ठीक है। तभी तो दोस्तों ये हमारे टोटल मिलकर कितना होंगे, 100% के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसका यहाँ पर परसेंट हमने ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसका अणुभार भी दिया गया है और साथ में हमें इसके परमाणु भार एक एक के अलग से दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर अपने जो सारणी बना लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मोलों की संख्या हमारे पास कितनी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ जहाँ पर हम इसके मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा तत्व। अब दोस्तों हमारे जो तत्व है इसकी हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिशत मात्रा, कि हमारी तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें क्या निकल जाएगी, यहाँ पर मोलों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो मोलों की संख्या यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये होगी हमारी मोलों की संख्या, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास जो मोलों की संख्या होगी उसमें हम क्या करेंगे, न्यूनतम मोल की संख्या से भाग देंगे, ठीक है, न्यूनतम मोलों की संख्या से भाग देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें एक संख्या पता चल जाएगी जिससे हमारा अणुसूत्र का निर्माण होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमें संख्या पता चलेगी उसे हम पूर्ण संख्या में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगी हमारी पूर्ण संख्या। तो अब दोस्तों मैं इसे पूरा कर लेता हूँ, हमारे जो बॉक्स बने हुए हैं उसको, यहाँ पर दोस्तों हमारी तत्व की श्रेणी आएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो परसेंटेज आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा परसेंटेज और परमाणु भार का डिवाइड होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो है मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, और ये होगी हमारी मोलों की संख्या और ये होगी हमारी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर तत्वों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला तत्व है दोस्तों हमारे पास जो है कार्बन, ठीक है, और दूसरा तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन। तो इन दोनों से मिलकर हमारे यौगिक का निर्माण होगा। तो दोस्तों हमारे पास कार्बन का जो परसेंट है वो है 75% और हाइड्रोजन का है हमारे पास 25%। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा 75 डिवाइडेड बाई परमाणु भार हमें कितना दिया गया है, वो है 12। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25, जो कि हाइड्रोजन का कितना दिया गया है, वो है 1, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, मोलों की संख्या, जो कि इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, न्यूनतम हो गई। तो अब हम दोस्तों जो हमारे पास है न्यूनतम उससे भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 6.25 न्यूनतम, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 1। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 25, जो कि न्यूनतम कौन सी है, ये वाली है, तो इससे हम भाग देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 4, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास पूर्ण संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, वो है 1, और यहाँ पर आ रही है 4, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें अणुसूत्र प्राप्त होगा, अणुसूत्र जो हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, कार्बन के लिए 1 है तो ये हो गया हमारा C1, और हाइड्रोजन के लिए 4 है तो ये हो गया हमारा C4, ठीक है। तो दोस्तों हमें जो अणुसूत्र प्राप्त हुआ है वो है CH4, और इसे दोस्तों इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, इसे हम दोस्तों मीथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मीथेन की संरचना, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे देखते हैं कि इसका जो अणुभार है और हमें जो प्रश्न में अणुभार दिया गया है वो पूरी तरह से संतुलित होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अणुभार कितना दिया गया है, वो दिया गया है 16, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो प्रश्न में अणुभार दिया गया है, तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि होगा हमारा अणुभार, ठीक है, अणुभार बटे हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलानुपाती सूत्र का अणुभार, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मूलानुपाती सूत्र का अणुभार, ठीक है, अणुभार। तो दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो क्या प्राप्त हो रहा है, अणुसूत्र क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पर CH4, ठीक है, जो कि है दोस्तों हमारे पास CH4, और दोस्तों साथ में हमारे पास क्या दिया गया है, अणुभार दिया गया है दोस्तों 16, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अणुभार दिया गया है 16,
तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 16, ठीक है। प्रश्न में हमें अणु भार दिया गया है जो कि है 16, और दोस्तों ये हमारे क्या होगा, ये होगा दोस्तों हमारा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे मूलानुपाती सूत्र, जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना दिया गया है, वो है CH4, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी 16। अब CH4 में दोस्तों कार्बन का कितना होता है, वो होता है 1, माफ कीजिए दोस्तों, कार्बन का होता है 12, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन का कितना होता है, वो होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 × हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, वो है 4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा दोस्तों प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 1 × 4, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 16, ये हो जाएगा दोस्तों 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 × 1 ही हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगी 16/16, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एन की वैल्यू आएगी 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सूत्र होगा, जो कि हमें यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन के लिए 1 हो गया। तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CH4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है दोस्तों, इसका जो नाम होता है वो होता है मिथेन। और दोस्तों हमें यही प्रश्न में पूछा गया था कि हमें जो ये यौगिक दिए गए हैं परसेंट में, इसका जो है अणुसूत्र क्या होगा, तो इसका अणुसूत्र होगा दोस्तों वो होगा मिथेन, ठीक है। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।